नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। सियासी सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अपने सफर की बात करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद, पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल जी। वह इस समय राज्यसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक भी हैं। 1970 से एबीवीपी से अपने सियासी सफर की शुरुआत कर आज 2020 में उच्च सदन में अपना स्थान पक्का करने वाले शिव जी से ही सुनते हैं कि उनका राजनैतिक जीवन कैसा रहा, सियासी सफर कैसा रहा। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। 1952 में आपका जन्म हुआ और 18 वर्ष की जब आपकी आयु थी तो आप विद्यार्थी परिषद में आ चुके थे 1970 में। वहाँ से और यहाँ तक का सियासी सफर आपका कैसा रहा अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है रजत जी कि आइडियोलॉजी से जुड़ करके और उस आइडियोलॉजी को पूरी तौर पर जान करके पकड़ करके चलने में जो आनंद होता है उसको आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात से प्रभावित होकर करके विद्यार्थी परिषद से जुड़े, जब विद्यार्थी परिषद का एक नारा रहा करता था कि सभी लोगों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और जो भी विचार हो वो राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद में मैं एक कार्यकर्ता के नाते था, फिर संगठन मंत्री के नाते था। संगठन मंत्री के रूप में मैं कानपुर में संगठन मंत्री रहा। 21 वर्ष की बात है ये, 78 की बात है। वास्तव में इसके पहले की स्थिति ये थी कि हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, वहीं छात्र राजनीति विद्यार्थी परिषद के लोगों ने हमको किया। वहीं पर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। विद्यार्थी परिषद का काम करते ही इमरजेंसी जब आई तो इमरजेंसी में मुझे गिरफ्तार भी किया गया, मीसा लगा करके मुझे बंद भी किया गया, और वो भी बंदी कोई एक दो दिन की नहीं थी बल्कि 75 में बंद हुआ और 77 में जा करके छूटा। 19 महीने के आसपास का जी, 19 महीने के उस पर जो है मैं बंद रहा, और बल्कि उसी में मेरा लॉ की परीक्षा भी ट्यूटोरियल नहीं हो पाया, जिसके नाते मेरी डिग्री 75 की जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, वो आकर के 77 में मुझे मिली। 77 में ही मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसी समय विद्यार्थी परिषद ने निर्णय ले लिया कि हम छात्र संघों का चुनाव नहीं लड़ेंगे और मुझसे ये कहा गया कि आप संगठन का काम करने जाओ। हमने कहा कहाँ जाना है बता दो। संगठन मंत्री का काम करने के लिए चला गया और इसी बीच संघ का प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, आगे चल करके फिर द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कानपुर और इलाहाबाद ये सब करते हुए तब मैं अपने फिर व्यक्तिगत जीवन में उससे वापस आकर के व्यक्तिगत जीवन में ला की डिग्री मेरे पास थी तो मैंने वकालत शुरू किया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्य भी करना शुरू किया था। वकालत की शुरुआत कब हुई, ये कौन से संघ की आसपास बात है? वकालत की शुरुआत हमारी हुई लगभग 84-85 में, 84 में
बहुत थोड़े समय की रही, क्योंकि 89 में ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा के लिए टिकट दिया और मैं चुन करके विधानसभा में चला गया, तो वो थोड़े समय की रही। लेकिन विद्यार्थी जीवन का राजनीतिक संघर्ष बहुत अच्छा रहा। जेल में लोगों का मैंने देखा कि किस अच्छी तरह से रहते हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता था। जब संघ के स्वयंसेवक सत्याग्रह कर करके जाते थे तो कुछ लोग हम लोगों को गाली भी देते थे कि सब शुरू कर दिए, मिसेस गांधी छोड़ेगी नहीं हम लोगों को, वही जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन मैंने ये देखा कि वह गीत मेरा रंग दे बसंती चोला तो पिक्चर की आई, लेकिन वहाँ मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा जो 13 साल 14 साल की उम्र में सत्याग्रह करके चले आए और किस मस्ती के साथ रह रहे हैं, और जिन लोगों ने समाज को सुधारने का दावा लेकर के चले थे वो कैसे जेल में रहने के नाम पर रो भी रहे थे। ये दोनों बातें आई तो ये लगा कि नहीं, राष्ट्रवाद देश के प्रति जुड़ना जो भाव लेकर के चलता है, सचमुच वह कितनी मस्ती की बात होती है, वही वह गीत है मेरा रंग दे बसंती चोला। अच्छा, विधायक बनने से पहले की बात करते हैं और छात्र राजनीति की ओर थोड़ा सा पहले जाते हैं। रुद्रपुर खजनी आपका घर है जो मूल गांव, उस समय घर में क्या परिस्थितियां क्या थी, माहौल क्या था, पिताजी क्या करते थे, घर में कितने लोग थे उस समय? देखिए, मूल रूप से हम लोग खेतिहर परिवार के रहे, आज भी इतने दिन के बाद भी हमारा संयुक्त परिवार है। हमारे पिताजी 3 भाई थे, सबसे बड़े मेरे पिताजी थे, उसके बाद एक और चाचा जी थे और तीसरे एक और चाचा, अभी भी मेरे छोटे चाचा जी हैं। और आज भी जो वो तय करते हैं वही हम लोग करते हैं, तो संयुक्त परिवार का सुख भी कितना होता है इसको हम आज भी महसूस करते हैं। पिताजी हमारे सर्विस में थे, बाबा जी सब खेती इत्यादि का काम देखते थे, मैं कक्षा 8 तक की पढ़ाई अपने गांव के वहीं रुद्रपुर में ही किया, प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल से, वहाँ से आ करके सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया, हाई स्कूल वहाँ से किया, इंटरमीडिएट महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से किया और फिर ग्रेजुएशन में गोरखपुर विश्वविद्यालय में आ गया। तो कुल मिला करके 68, 70 और 72 हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन ये पूरी तौर पर रहा। और पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन मध्यम वर्गीय थी। स्वाभाविक है कि गोरखपुर आकर के पढ़ना लिखना जो सब लोग सर्विस भी इत्यादि में भी थे, इस नाते किसी प्रकार के अभाव की स्थिति नहीं थी, अधिकता नहीं थी तो अभाव भी नहीं था। और शुरू से एक बात थी कि हम दृढ़ता के साथ रहेंगे, किसी के साथ सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, और वह मैं समझ रहा हूँ कि आज तक परमात्मा की कृपा है कि मेरा चल रहा है, हाथ किसी के सामने फैलाया नहीं। और पार्टी का कितना धन्यवाद दूँ कि बिना मांगे मुझे विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया, या राज्यसभा में भी भेजा, यहाँ भी मंत्री बनाया। मैं समझता हूँ कि इससे अधिक सौभाग्य नहीं मैं पा सकता हूँ जो हमारे नेताओं ने मुझे दिया है, संगठन ने दिया है। छात्र जीवन की राजनीति में जब आप एक्टिव हुए तो घर परिवार में कोई विरोध या फिर लोग खुल के समर्थन करते थे? क्योंकि जो माहौल होता है खासकर पूर्वांचल का, वहाँ ये कहा जाता है खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों में, पढ़ो लिखो, कुछ नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, IAS वगैरह बन जाओ, इस तरह की बातें होती हैं। तो क्या कभी जब राजनीति में आप एक्टिव होते गए खासकर ABVP के दौर में, तो क्या घर में लोगों ने सपोर्ट किया या विरोध किया? देखिए, मेरे
बड़े भाई साहब, हम दो भाई जी। मेरे बड़े भाई साहब जो अधिवक्ता रहे, आज वो नहीं है, मैं उनके संरक्षण में रहता था। उनका उनको छोड़ करके घर का किस कोई भी व्यक्ति मेरे इस राजनैतिक विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बताया ना कि कृषि मूल रूप से उसका वो थी, नौकरी में लोग थे। घर का पहला व्यक्ति ऐसा था जो मैं राजनीति में आया, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। तब तक अच्छा नहीं लगा है मुझे लगता है कि जब तक मैं विधायक नहीं हो गया, उसके बाद तो हो सकता है कि पद आ जाता है तो लोगों को वो लगा। लेकिन सबसे अधिक मेरे बाबा जी थे, जो कोई जाता था, अगर हम लोगों का थोड़े अर्ली शादी होती है, पढ़ते रहते हैं तो जाता था, तो लोग कहते थे, तो बाबा जी हमारे कहते थे कि क्यों शादी करना चाहते हो, वो अपनी बेटी को भी जेल में भेजोगे क्या, तो जेल में होगा। तो एक अलग तौर पर उसका वो था। लेकिन जो मैंने बताया कि बड़े भाई श्री राम प्रताप शुक्ल जी, उनको छोड़ करके कोई ये नहीं चाहता था कि मैं राजनीति करूं। सबको इनको चाहता है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये सब हो जाऊं। ये थी प्रारूपी। और जब 89 में पहली बार आप विधानसभा के लिए आपको बीजेपी ने टिकट दिया, तो उस समय शायद आप आर्थिक तौर पर तो बड़े समृद्ध नहीं रहे होंगे, और टिकट पाने के बाद अक्सर राजनीति में होता है कि राजनीति में खर्चे ज़्यादा होते हैं। फिर आपके लिए यह भी था कि पहली बार आप चुनाव में जा रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा होगा, क्षेत्र में लोग कैसे, क्योंकि उसके पहले आप वकालत कर रहे थे, तो ये सब कैसे मैनेज आपने किया? देखिए भाई, कैसे चुनाव वो हो गया मैं स्वयं नहीं समझ पाता था, क्योंकि हमारे हम जिनसे चुनाव लड़ रहे थे बहुत बड़े आदमी के पुत्र थे, और मैं क्या पूरा देश उनको मानता है, प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के वो पुत्र थे श्री सुनील शास्त्री जी। तो मुझे लगता है कि उस समय के जितने भी दल के विचारधारा के नौजवान थे वो सब मेरे साथ थे, किसी भी विचारधारा के थे वो मेरे साथ थे। और आज तक केवल वही चुनाव नहीं, आज तक मैंने जितने चुनाव लड़े, मैं ये कह सकता हूँ कि गोरखपुर में जैसे मैं कभी हाथ नहीं पसारता था, चुनाव के लिए भी किसी के पास पैसे मांगने नहीं गया था। जिसने दे दिया उसको स्वीकार किया, लेकिन कोई व्यवसायी भी या नहीं कह सकता है कि मैंने मांगा। और पहले चुनाव में जब सुरजीत शास्त्री जी लड़ रहे थे, उनके सामने मैं लड़ रहा था, लोग ये मान रहे थे कि पता नहीं इनका क्या होगा, तो पैसा कौन देता, कोई नहीं दे रहा था। लेकिन वह लोग, हमारे घर के लोग, बड़े भाई साहब और जो अन्य लोग थे, मित्र मंडली थी, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया। मुझे नहीं लगता है कि उस समय 80-85 हज़ार रुपये में मैं चुनाव जीता था, इससे अधिक मेरे ख्याल से शायद मेरा लगा नहीं था, और उसमें चुनाव जीत गया था। बाद के भी चुनाव, मैं कहूँ कि 2002 के चुनाव जो हमारा पांचवा चुनाव था, छोड़ कर करके बहुत पैसे किसी में नहीं लगे। और मांगने वाली बात मैंने बताया कि किसी भी चुनाव में गोरखपुर का व्यक्ति आपको वोट तो दे देता था, लेकिन कोई व्यवसायी पैसा नहीं देने आता था, न मैं मांगता था न वो देता था। तो एक बड़ी अच्छी स्थिति रही कि बिना मांगे वो देने को तैयार नहीं थे, और जो मैं मांगता था वोट वो दे देते थे। ये पूरी की पूरी स्थिति रही। चुनाव में मुझे अभाव कभी नहीं लगा, जैसे जीवन में अभाव नहीं था वैसे चुनाव में भी अभाव मुझे कभी नहीं लगा। मैं मांगने नहीं गया, न तो दल से कभी मांगा, दल का आशीर्वाद जो मुझे मिला उसको लिया, जनता का आशीर्वाद वोट के रूप में मिला उसको लिया, न जनता से मांगा न दल से मांगा, लेकिन दोनों ने भरपूर मुझे खुल करके दिया। मैं अपने आज तक के जीवन से पूरी तौर पर संतुष्ट हूँ। मतलब जनता ने आपको मतदान दिया, आपने धन दान नहीं लिया। जो 19 महीने जेल के थे,
वो कैसे कटे? बहुत मुश्किल परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि शायद उस समय आपकी उम्र 75 की बात है, तो 23 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र तक आप लगभग जेल में रहे। वो दौर कैसा रहा और उन 19 महीनों में आपने ऐसा क्या किया, कौन से ऐसे दृढ़ संकल्प लिए या फिर जीवन की दिशा और दशा वहीं से बदली? देखिए, दिशा उसके पहले भी मैं कई बार जेल जा चुका था छात्र आंदोलन में। यह जरूर था कि फर्क इतना था कि कभी महीने भर रह लेता था, कभी 20 दिन रह लेता था। यह थोड़ा लंबा खिंचा, तो मुझे ध्यान है कि एक बार अत्यंत स्नेह करने के कारण मेरे भाई साहब जो है मुझे मेरा पेरोल कराना चाह रहे थे। मेरे पास वो आया कि इस पर दस्तखत कर दो, तो हमने कहा क्या है, तो कहे पेरोल। उस समय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। हमने कहा देखिए मैं माफ़ीनामा तो नहीं मांगने को तैयार हूँ। कहे माफ़ीनामा ही तो पेरोल कुछ दिन के लिए है। हमने कहा मैं नहीं उगाऊँगा, उनको छोड़ना होगा तो छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना होगा नहीं छोड़ेंगे। जेल में जरा सा भी कभी यह महसूस नहीं हुआ कि हम जेल में हैं। इस नाते नहीं महसूस हुआ कि जब मुझे ये दिखता था कि ऐसे ऐसे लोगों को जेल में ला करके रख दिया गया है जो कभी भी, अब एक सज्जन ऐसे थे आनंद मार्ग से थे, शशितानंद जी उनका नाम था, उनको ला करके रख दिया गया। कहा गया कि ये तो एक चौराहे पर पोल पर चढ़ करके तार काट रहे थे और एक होटल के मालिक थे, विचारधारा उनकी आनंद मार्ग की थी। ऐसे आचार्य प्रताप आदित्य जी थे, बहुत अच्छे सफल एडवोकेट थे, शासकीय अधिवक्ता रहे, उनके ससुर जी हाई कोर्ट के जज रहे, उनको पकड़ करके लेकर के चले गए, आनंद मार्ग के थे। करुणेश शुक्ल संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे, उनके हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लगा करके ले गए, ये कहते हुए कि ये कमलेश शुक्ल जो जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ थे उनके भाई हैं। तो ये जब देखते थे तो हमें ये लगता था कि प्रशासन और शासन ये दोनों अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। तो इस अंधे बहरे लोगों को जो देखने और सुनने में अक्षम है उनके सामने कुछ कहना उचित नहीं है, मस्ती के साथ रहना उचित है। और वॉलीबॉल खेलते थे, मेरा बैडमिंटन प्रिय था, मैं बैडमिंटन खेला करता था। आज भी हमारे इस आँख पर दाग है, डॉक्टर गुप्ता वहाँ डॉक्टर थे, जेल के डॉक्टर थे, हम लोग खेल रहे थे, हमारे डबल वे चल रहे थे तो उन्होंने मारा, रैकेट हमारे आँख पर लगा, फट गया, कुछ नहीं लगा, फिर सब उसी में होता गया। उस जेल में मुझे ये लगता है, आज जब इतिहास पढ़ा जाता है, देखा जाता है स्वतंत्रता के समय में, तो जेल हमेशा मस्ती के साथ कटती है, और नहीं तो जेल में रोना पड़ता है। हम रोने के लिए तैयार नहीं थे, तो मस्ती ही तो रहेगी और क्या रहेगी। बात करते हैं अब 2002 की। अब तक जो 70 से आपने छात्र राजनीति से जो जीवन की शुरुआत की, सियासी सफ़र की, 2002 तक बहुत अच्छा चला। 2002 से लेकर 2016 तक 14 वर्षों का आपका राजनैतिक वनवास रहा। कोई बहुत प्रत्यक्ष तौर पर उस समय आपके पास कोई पद नहीं था, संगठन के काम आप करते रहे, लेकिन संगठन में भी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, और उसकी जो वजह मानी जाती है आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग बताते हैं तमाम रिपोर्टों में, आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक वनवास नहीं कभी मेरा रहा, हम कभी हताश हुए नहीं, निराश हुए नहीं। 2002 के चुनाव हारने के बाद भी जब 2004 का लोकसभा का चुनाव आया तो हाँ ठीक है, उस समय आदित्यनाथ जी मेरा विरोध किए थे, हर चौराहे पर उन्होंने प्रेस्टीज ये बना लिया था कि
चुनाव मैं लड़ रहा हूँ और जिस व्यक्ति को उन्होंने खड़ा किया था कि वो नहीं लड़ रहा है, हम हार गए। लेकिन 2004 में जब उनके पार्लियामेंट का चुनाव था, वो लड़ रहे थे, तो मेरा बीजेपी का मन नहीं माना और मैं जाकर के उनके मंच से भाषण देना शुरू किया। हमारे लोगों को भी बुरा लगा कि ये क्या कर रहे हैं। हमसे जब लोगों ने सवाल किया तो हमने बहुत साफ कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने किन्हीं परिस्थितियों में मेरा विरोध किया था, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हैं और मैं उससे अलग जा नहीं सकता हूँ, इस नाते मैं प्रचार कर रहा हूँ और मैं उनका झूम करके प्रचार किया, मुझे कहीं या कोई आपत्ति नहीं रही। और प्रचार किया और प्रचार करके के वो कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो मंच से चढ़ते थे और मैं बोलता रहता था, फिर मैं मंच से उतर के चला जाता था, लेकिन भाषण जाकर के देता था, उनको जिताने के लिए देता था कि जिताइए, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाइए। तो जब मन में उत्साह हो तो कभी भी राजनीतिक बनवास नहीं होता है। मैं इसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं तो काम कर ही रहा था कोई नहीं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपने के साथ जो है कमेटी में शामिल किया, उपाध्यक्ष बनाया। फिर उसके बाद जितने अध्यक्ष हुए सबके साथ मैं उपाध्यक्ष रहा यहाँ आने तक, हाँ यहाँ आने तक। और परिणाम ये हुआ कि पूरे दिन मैं कार्यालय पर रहता था, लोगों से मिलता था, लोगों को कहीं नाराज होकर के अध्यक्ष जी के पास से आ जाते थे तो भी मैं उनको संतुष्ट करता था। उसका परिणाम क्या हुआ कि शायद मैं उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री रहते हुए उतना स्नेह प्यार नहीं पाया होगा जितना स्नेह प्यार मुझे संगठन के पदाधिकारी रहते हुए, उनके साथ काम करते हुए, उनके साथ चाय समोसा खाते हुए मिला। और वो पूरे प्रदेश में फिर जाना जाने लगा। आज जब योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात होती है आपकी, तो संबंध कैसा है? साथ बैठते हैं, चाय कॉफी होता है? हाँ क्यों नहीं होता है। अभी तो पिछले जब स्वर्गीय लाल जी टंडन जी का निधन हुआ था तो मैं 24 तारीख को मैं लखनऊ जा रहा था, वो मैं आग्रह किया था कि भाई देखिए अगर मुलाकात हो तो हम 24-25 हैं तो हो जाए। तो 24 को टंडन जी के यहाँ गया, आशुतोष जी से मिला। रास्ते में ही मैं दिल्ली से जब जा रहा था तो उनके यहाँ से संदेश आ गया कि कल 10 बजे, और मैं उनके यहाँ गया। बात है आधे घंटे तक हम लोग बात किए। देखिए एक बात बताएं, राजनीति या किसी समय कोई भी अस्थाई शत्रु नहीं होता है, और यह भी जान लीजिए कि कोई अस्थाई राजनीति में मित्र नहीं होता है। राजनीतिक हित को देखते हुए वह मित्रता और शत्रुता तय कर लेता है। अगर मैं उनको कुछ और मानता तो 2004 में उनका प्रचार करने नहीं जाता। तो उसके बाद जब जब हुआ तब तब ये हुआ, उनके यहाँ गोरक्षपीठ में जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों भी मैं जाता हूँ। हम गांठ बांधने से नहीं कुछ चलता है, हम अपनी तरफ से यह सोच करके चलें कि नहीं मुझे दुश्मनी नहीं करनी है, तो धीरे धीरे अपने आप होता जाता है। उनके मन में क्या है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे मन में आज भी उनके प्रति आदर है, ऐसे पीठ पर है जिस पर हम लोग सम्मान भी करते हैं वो भी है, और आज तो वो मेरे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, हमारे सांसद थे तब मैं उनको नहीं छोड़ा, तो आज तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। 2016 में आप राज्यसभा भेजे गए और प्रधानमंत्री जी के थोड़े ही दिनों बाद आप चहेते भी हो गए और कैबिनेट में शामिल भी हो गए उनके। कभी याद है प्रधानमंत्री जी से आपकी सबसे पहली मुलाकात कब हुई थी और उस समय क्या माहौल था? देखिए जब
जब राष्ट्रीय महामंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो गोरखपुर गए थे और बैठक लिए थे, तो उस बैठक में हम लोग थे। वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई, वहीं से वो बहराइच गए, बहराइच के बाद यहाँ आए और फिर उधर से ही लौटने के बाद वो जा करके जो है गुजरात के सीएम के पद पर आसीन हो गए। तो स्वाभाविक है कि संगठन में तो इस तरह से मुलाकात होती रहती है, तो उसमें अपना हुआ। वो फिर बाद की स्थिति में वो जाकर के वहाँ मुख्यमंत्री हो गए, अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मुझे जो कार्य सौंपा गया था प्रदेश के मंत्री पद का, मैं वो निभाने लगा। फिर कभी कभी कार्यक्रमों में भेंट हो जाती थी, नंदमस्ते अपना होना स्वाभाविक है कि वो होता था। वो हमारे नेता थे तो हम अच्छा लगता था भाई। और उनकी प्रसिद्धि एज ए सीएम इतनी बढ़ी कि समझिए कि लोगों का मन ये होने लगा कि अब कोई अवसर ऐसा आए कि यह देश या व्यक्ति देश का अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो कम से कम बहुत सी समस्याओं का हल हो सकता है। और आज वो सारी समस्याओं का हल अपने आप धीरे 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 दिख रहा है कि लोगों का हृदय की चाहत थी और वह चाहत नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और अभी आगे कब तक बनेंगे इसको तो नहीं कह सकते हैं, निश्चित रूप से वो आगे अभी वह जारी रहेगा। अच्छा ये बताइए, उनके साथ कोई एक ऐसा वाकया जो आपके दिल के बहुत करीब हो? देखिए उनके साथ का कोई ऐसा वाकया मतलब हम नहीं, क्योंकि संगठन के अतिरिक्त हमारे उनके व्यक्तिगत संबंध नहीं रहे। संगठन के अतिरिक्त, संगठन के नाते ही जो भी रहे, मेरी एक बात रही कि मैं बिना संगठन के निर्देश के कहीं नहीं जाता था। संगठन का निर्देश होता था कि यहाँ जाकर के एक महीने रह जाओ, तो मैं एक महीने रह जाता था। लेकिन कहीं जा करके जबरदस्ती अपनी उपस्थिति में जता नहीं पाता था। तो बड़े व्यक्तियों के साथ आम तौर पर लोग अपने को आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं। मेरे मन में वो चाहत थी नहीं, मेरे मन में तो ये था कि भगवत कृपा और अपना कार्य ये दोनों होता रहे, फिर संगठन जो निर्णय लेगा। भाई मैं वर्तमान गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, अब उनको हृदय से मैं क्या कहूँ कि उन्होंने ही मुझे यहाँ ले आने का कार्य किया और बखूबी स्थापित करने का काम किया। तो संघर्ष करते रहो तो संघर्ष का अपने आप फल मिलता है, फल की अपेक्षा मत करो। और सचमुच मैंने जीवन में कभी अपेक्षा नहीं किया, सब कुछ अकस्मात मिला। विधायक का टिकट अकस्मात मिला। 1991 में जब हमारी पहली सरकार बनी तो मुझे क्या मालूम था कि मुझे भी मंत्री बनना है। मैं जब पहुंचा तो राजभवन से पत्र आया था, हमने कहा क्या है, तो बताया गया कि शपथ, हम कहे हमें भी शपथ लेना है। तो जब भी मिला अकस्मात मिला, जब भी मिला बिना मांगे हुए मिला। तो यह मैं समझता हूँ कि जो लोग भी जरा से असंतुष्टि के बाद कहीं चले जाते हैं और अपने दल और अपने नेताओं पर शब्दों का आक्रमण करते हैं, वार करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वह सिद्धांत तो नहीं जीते हैं और शायद अपने जीवन में कभी संतुष्ट भी नहीं रहते हैं। मैं अपने जीवन में पूरी तौर पर संतुष्ट हूँ, आगे क्या मिलेगा ये विचार करने का काम ही मेरा नहीं है। मैंने जब ये कहा कि आज तक पूरी तौर पर संतुष्ट हूँ, तो आगे यही संतुष्टि का अभाव मुझे पूरी तौर पर प्रफुल्लित रखेगा। चलिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आदरणीय शिव जी से आपने सुना कि उनका सियासी सफ़र कैसा रहा, और अंत में जो उन्होंने एक लाइन कही
राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में कही कि धैर्य रखिए, लेकिन सामान्य जीवन में भी अगर आप धैर्य रखते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आप हमेशा कार्यरत रहते हैं, तो निश्चित ही जो आपकी सफलता है, जिसके आप योग्य हैं, वो आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और राजनेता के सियासी सफर में मिलते हैं।